गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से लेवल थे जिसके ऊपर मार्केट ने डांस किया और आप कल ट्यूसडे वाले दिन किस सेटअप के ऊपर काम करके पैसे बना सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। मार्केट ने एक गैप अप दिया बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर आपको कल के दिन एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, बट अभी मार्केट लाल चल रही है। क्यों चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। 400 से ज्यादा की पॉइंट की रैली थी फ्राइडे को और मार्केट एक तेजी दिखाई। आज भी मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन हुई है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, ना तो हम बुल ना तो बेयर। भाई मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को भी जो फॉलो करता है इंट्राडे के अंदर काफी अच्छे पैसे बना सकता है। मार्केट ने क्या किया, लेवल के ऊपर गैप अप, लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर इसी के हाई तोड़ के ऊपर की तरफ पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और मार्केट लेवल के ऊपर इसको बोलते हैं डांस करना, तोड़ने की कोशिश पूरा दिन करती रही और यहीं पे दम तोड़ दिया इसने इस लेवल के ऊपर। ये लेवल क्या था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी का लेवल आपको दिया था, निफ्टी ने तो सारे के सारे भाई पहला टारगेट दूसरा टारगेट ठोको ठोको जोन पे आया, रिजेक्शन लिया, वापस आया और इसके अंदर पूरा दिन तोड़ के और सबसे अच्छी बात क्या हुई है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिए, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन ऑलटुगेदर। ओके डिलीट और चलते हैं एनालिसिस में और देखते हैं किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं। चलो पहले इसको डिलीट कर दो। डेली कैंडल पे देखो मार्केट ने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी आज को जरूर से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और अगर आप देख पाएंगे तो जो क्लोजिंग आई है ना इस कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो मतलब जितनी गिरावट हुई थी उसको कवर करते हुए मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और इसका हाई टूटने पर जो आज का हाई लगा है वो हाई कितना एक बार चेक करते हैं, मार्केट आपको एक अच्छा खासा और तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब बाय कहाँ करना है, मार्केट में कैंडल के ऊपर ही बाय करना है। कौन सा 18,029 का लेवल टूटने के बाद आपको फिर से मार्केट के अंदर तेजी दिखाई पड़ सकती है। अब सर ऐसे कैसे तेजी कैसे कर ले, फिर तो गिरना चाहिए। देखो ना तो बैर रहो ना तो बुल रहो, यहाँ पे भी पीएसिंग पैकेट पैटर्न बना है भाई, ये भी बुलिश है ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बाय फ्राइडे मार्केट विल शो यू ठीक है। तो भाई निफ्टी उड़े भागे पछताए, जहां जाना है वहां चले जाए, ये लो बाय फ्राइडे टूटेगा, ये लिख लेना ठीक है। करीब करीब बैंक निफ्टी 800 पॉइंट की गिरावट है ठीक है। जो मेरा भाई शॉट को खेलना चाहता है उसके लेवल्स भी बताऊंगा कहां पर शॉट मारना है। 800 पॉइंट की गिरावट मार्केट के अंदर आएगी। पहले हम 10 ईएमए का इंतजार कर रहे थे, वो सेक्शन पूरा हो गया। अब काफी लोग पूछेंगे कि सर 10 ईएमए पे बेरिश थे, वो तो टारगेट पूरा हो गया, अब क्यों बेरिश हो। भाई गैन रूल एक्टिवेटेड है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं ठीक है, और वो बोल रहा है कि मार्केट में ये लो टूटेगा ही टूटेगा, तो भाई उसको भी हम इंतजार करेंगे देखने का कैसे टूटेगा कहाँ टूटेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि कल हो जाए गैप अप, मार्केट जाए थोड़ा ऊपर और ऊपर ठोकने को मिले, मतलब जो 800 है ना वो 1000 हो जाए। मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी, 495 का लेवल ना ये वाली कैंडल, इसका हाई तो बिल्कुल नहीं टूटने से रहा, मुझे लगता नहीं कि इसका हाई टूटने वाला है। लेकिन कल जो है मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, देख नहीं रहा क्या होना चाहिए, मार्केट तो अभी रेडी चल रही है। ये तो टूटने से रहा, मार्केट ये लेवल तोड़ देगी, ट्यूजडे तोड़े, वेडनेसडे तोड़े, थर्सडे तोड़े, फ्राइडे तोड़े, मुझे नहीं पता अगले 4 दिनों के अंदर 4 days 800 पॉइंट फॉल आ जाएगा भाई। शॉर्ट साइड में बैठे हैं, 18 मई की एक्सपायरी में बैठे हैं, क्यों, क्योंकि भाई किस्मत इतनी खराब है ना, इतनी खराब है मैं क्या बताऊं, साला लास्ट दिन पे अगर चला गया ना तो ये एक्सपायरी जीरो हो जाएगी। जैसे हमारा जो कैंडल है वो 22वीं कैंडल पे 10 में आया ठीक है, वैसे अगर फ्राइडे को ही हुआ ना इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो 18 मई की पहले खरीद लेंगे, लॉस होना ही नहीं ठीक है, लॉस देना ही नहीं है। थोड़ा सा और
और बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊँ 1 आवर के चार्ट के ऊपर, ये लगाया ये फिबोनाची ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कहिए फिबोनाची लगा लेना। जितने लोगों ने फिबोनाची का कोर्स किया आज भी साइडवाइज मार्केट में बहुत अच्छा पैसा उन्होंने बनाया। फिबोनाची की लर्निंग इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट है कि मजे आ गए। प्लस जिन्होंने लेवल मार्क करने सीखे, जो अभी हमारा रिसेंटली लेवल सेशन हुआ था, वो लेवल चाहे वो न्यूमरोलॉजी के लेवल हो, चाहे वो आपके ट्विन नंबर हो, वीआईपी नंबर हो जो हमने सिखाया आपको, ठीक है, या फिबोनाची के लेवल हो, भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं और मजे आ रहे हैं। काफी लोगों ने बोला सर एप्लीकेशन के अंदर ये कोर्स अपलोड कर दो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एप्लीकेशन के अंदर ये कोर्स को अपलोड कर दूं फिबोनाची प्लस लेवल वाला, तो इस कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एंड अपलोड इट। इसके हिसाब से देखेंगे तो मार्केट अभी कहाँ रुकी हुई है, मार्केट रुकी है अभी जीपी पे, गोल्डन पॉकेट, हमारे फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट को ये तोड़ नहीं पाई है मार्केट। एक बात पत्थर की लकीर है, फिबोनाची की ट्रेड है, ये याद रख लेना। मार्केट अगर 1 आवर की कोई भी कैंडल, कोई भी कैंडल, अरे बाबू कोई भी कैंडल, अच्छा ये ऊपर क्यों गया पहले ये भी देख लें। सुबह अगर आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल के अंदर सारी अपडेट आती हैं, ठीक है। सुबह कुछ अपडेट किया था, चलो मैं आपको पहले अपडेट दिखा देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे कि ये वाले ट्रेड कैसे ट्रेड करना है, किस हिसाब से ट्रेड करना है। ये देखो मार्केट ने ट्रेड बनाई थी कौन सी, ये आवरली के ऊपर, ये आपका लो था, ये आपका फिबोनाची का हाई, मार्केट ने गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोजिंग दी थी, मार्केट हमारे कन्फर्मेशन लेवल के आसपास खुली है और मार्केट का टारगेट ये था, फाइनल टारगेट ये डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया। अगर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ये टारगेट मैंने बना के दिए थे कि भाई ये आना है, और सुबह हमने वीआईपी मेंबर्स के साथ में ट्रेड भी किया जो मैं लाइव करता हूँ जूम के अंदर, इनफैक्ट आपको मैसेज करके बता दिया था 100 पॉइंट्स, मतलब ये जो मैंने पिक्चर डाली थी तो तब 100 पॉइंट बचे और थे, और बचे थे, तो मैंने यहाँ बोलता ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है यहाँ पर, और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मार्केट पे 100 पॉइंट्स आपको आते हुए दिखाई दिए 43,142 से 42,259 के लेवल आपको दिखाई दिए, 100+ पॉइंट आपको आते दिखाई दिए। फिर आपको ये भी बताया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है, और मार्केट ने वैसा ही किया। देखो ये पूरा टारगेट आता हुआ दिखाई दिया था, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ये इसका टारगेट था, ये पूरा आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बना, ऊपर से अगर मैं नीचे तक मार्क करता हूँ, ये सेम 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये मैंने मार्क किया, मार्केट हो गया समथिंग रॉन्ग दैट हैपेंड, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है गोल्डन पॉकेट का, और ये गोल्डन पॉकेट बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जोन है। अब आपको एक नंबर मार्क करके दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, ये नंबर क्या है, नंबर है गाइस आपका 43,160, ये 62 बनता है। इस नंबर के नीचे 1 आवर की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, बिंदास बैठ जाना सेल साइड पे, दैट्स एन इंटीमेशन मार्केट फिर नहीं रुकने वाला, शॉर्ट साइड की पोजिशन बनेगी, आपका स्टॉप लॉस होगा गोल्डन पॉकेट, और आपका टारगेट नीचे की तरफ लेके चल सकते हो। ये टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेंगे, ये क्या बनेंगे वो भी मार्क कर लेते हैं। ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट भी है, वो लोगों को पता है कौन सा टारगेट है, जो आप अगर आप फिबोनाची की वर्कशॉप अटेंड किए तो आपको पता है कि एक्सटेंडेड टारगेट कैसे निकलना है इसका, और ये टारगेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो, कहाँ पर इसको सेल कर सकते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिबोनाची वर्कशॉप में ऑलरेडी सिखा रखी है, इसको करेंगे डिलीट। ये आपकी ट्रेड बनेगी जो कल के लिए हमारा सौदा होगा, मेन सौदा यही है कल का, ठीक है। इसके अंदर बनेंगे अच्छे पैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 43,167 के नीचे मार्केट में 1 आवर की कोई कैंडल क्लोज होती है भाई ठोको,
43,026 और 42,855 ये लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके नीचे इसका लो ये आपका टारगेट रहेगा। सिंपल सी चीज है, जो ट्रेल करना चाहता है मार्केट यहां तक आता है, आपको दिखाई देगी। 42,600 मेरा टारगेट है, 42,600 मेरा टारगेट है, मार्केट चल रहा है 43,284, तो 300 के आसपास चल रहा है। अगर मैं मान के चलूँ तो 400 और 300, 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो ये मान के चलो आपको फ्राइडे तक आराम से देखने को मिल जाएगी, 700-800 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, तो कल की बैंक निफ्टी की ट्रेड रहेगी, मजे इसी में आएंगे करने के लिए, ये आपके सामने जो मैंने बना के दिए। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी इज मोर बेयर बुलिश देन बैंक निफ्टी, निफ्टी इज मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार देख लें जरा, आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। सही पकड़े हैं। गाइस ये राइजिंग वेज नहीं है, दिस इज अ बुलिश चैनल, मार्केट एक बुलिश चैनल के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जन कभी भी टूट सकते हैं। स्पेशली एक ये जो कंसोलिडेशन की लाइन है ये वाली, मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ गिरती है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। और 18,045 का लेवल है, और कितने का टारगेट मिल सकता है, जितनी इसकी डेप्थ है, जो हमारा बुलिश चैनल है इसकी जो डेप्थ है उसके हिसाब से। अगर ये मान लो यहाँ से टूटती है तो 17,896, यहाँ से टूटती, कहाँ से ब्रेक डाउन देगा इस पर्टिकुलर लाइन का वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये कितने पॉइंट का है वो देख लेंगे, जहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा नीचे से, जहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देती है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में, आपको लगभग 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर, 230 पॉइंट दिखा रहे तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट्स की गिरावट आपको आराम से आंख बंद करते हुए देखने को मिल जाएगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करूं, फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो था, सुबह हमने ट्रेड भी किया था गोल्डन पॉकेट से, इसने पूरे पूरे के पूरे अपने जो है टारगेट दिए। और इसका क्या बनता है, क्या उसकी वही ट्रेड बनती है जो मैं सोच रहा हूँ बनती है, कल मजा आएंगे फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। और अरे बाप, बहुत ही बढ़िया, ये बना जैकपॉट ट्रेड, क्या बन गया सर, जैकपॉट ट्रेड, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जैकपॉट ट्रेड है। 30 छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन लेके रिस्की ट्रेड मारूंगा, लेकिन 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज होती है तो कल के अंदर इसको भी ठोकना है। कौन से पॉइंट के नीचे, 19,250, ये 250-248 का लेवल है मार्केट। इसके नीचे 1 आवर की कोई कैंडल क्लोज करती है, बिंदास ठोकना है, कल एक्सपायरी भी है, चीप प्रीमियम मिल जाएंगे, उठा के मारना है यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये आपके टारगेट बनेंगे। और कल की जो डाउन साइड पर ट्रेड बनेगी बोलेगी 19,250 के नीचे शॉर्ट मारेंगे, बिल्कुल ठोकना है। 19,187 आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे 19,114 और उसके स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 19,308 का रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी कल जैकपॉट ट्रेड बनेगी। आप बोलोगे सर आप तो मंदड़ी हो गए हो, हर बात पे बैरिश कर रहे हो। नहीं सर, जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मार्केट सिर्फ नीचे गिरेगा, हमारा व्यू जो मर्जी हो मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगा, अगर ये लेवल एक्टिवेट ही नहीं होते ना छोड़ देंगे और ऊपर से ठुकेगा तो सही, यहां से नहीं कहीं ऊपर से, क्यों, मार्केट के अंदर भांग दोतरा खा के मार्केट को बायर्स में बैठाने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर देखो कैसी गैप डाउन, कैसा हिसाब किताब होता है वो आपके सामने। क्यों, अगर ट्यूजडे के दिन नहीं गिरा, एक रीजन है, क्यों, क्या रीजन है, CPI का डेटा आने वाला है वेडनेसडे को, और इवेंट के एक दिन पहले मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाया करती है, तो कल ये भी चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर रह जाए और ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना दे पाए, याद रखना इसके भी चांसेस हैं। और वेडनेसडे के दिन डेटा के ऊपर मार्केट प्ले आउट कर दे आइदर अ बिग गैप अप और अ बिग
गैप डाउन, ठीक है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, किस तरीके से मोमेंटम देना चाहता है, उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है, उसके ऊपर आपको देखना है, ठीक है। मार्केट में जो लोग इस व्यू पर ट्रेड नहीं और सिर्फ लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेवल्स भी देता हूँ जिसके ऊपर आपको कल ट्रेड करना है। निफ्टी के लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर बने हुए, सिर्फ लेवल के ऊपर ट्रेड करके आप पैसे बना सकते हो मार्केट में। अगर मार्केट 18,333 जो कि एक न्यूमरोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम है, उसके ऊपर से निकलती है 5 मिनट की कैंडल, 18,403 आपका पहला टारगेट होगा, और यहाँ से यहाँ की एक रैली मिल जाएगी आपको करीब करीब। अगर मान के चलो तो ये 80 पॉइंट की रैली है और यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिखाई देंगे, सारे के सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं एक बात करूँ, ये वाला नंबर है 18,146, इसके नीचे आपको एक गिरावट आती हुई दिखाई देगी 18,030 तक की, और उसके नीचे छोटी रैली है लेकिन रैली आएगी तेजी से, 17,960 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। कल के लिए हाई चांस है कि मार्केट इस जोन के अंदर रह जाने वाला है, तो याद रखिएगा कल मार्केट निफ्टी में हाई चांस है कि इसी जोन के अंदर रह जाए और कोई मोमेंटम ना दे, और वेडनेसडे वाले दिन मोमेंटम का इंतजार करें। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर वेडनेसडे को यूएस मार्केट के अंदर एक इवेंट है और मार्केट उसको प्ले आउट करे, तो इसके अंदर तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय और सेल करने के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, हम सिर्फ बाय करेंगे अगर मार्केट 43,557 के लेवल को तोड़ती है। एक सॉफ्ट एंट्री टारगेट इसका देने की कोशिश करूंगा क्योंकि मार्केट ने करीब करीब लगभग लगभग इस लेवल के आसपास 2.5 से 3 घंटे कंसोलिडेशन किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और नीचे की तरफ इसका जो ये जोन है, ये वाला नीचे वाला, बट मैं यहाँ पर ये जोन मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो एक छोटा सा ट्रेड बनता है 106 के नीचे, लेकिन अगर वो सेफ सेलिंग करना चाहता है तो 42,888 जो कि एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, वहाँ के नीचे एक रैली के लिए तैयार रहेगा। यहाँ पर 42,888 के नीचे रैली 42,5164 के लिए, दोबारा से जैसे ये गिरा था ना वैसे दोबारा गिरेगा, और उसके नीचे फर्दर रैली 42,256 के नीचे अगर ये यहाँ पर नहीं संभला तो, ठीक है। बात मेरा तो 600 तक का टारगेट है लेकिन ये 514 के टारगेट आपको दिखा रहा है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो 43,547 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, 43,805 का लेवल है और उसके ऊपर 44,179 के लेवल है। तो मैंने आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ के लेवल दे दिए। मार्केट जहां पर प्ले आउट करने की कोशिश करे, आप अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से नोटिस करते हुए यहाँ पर सेल और बाय की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। मेनली कल मेरे लिए जैकपॉट जो ट्रेड रहने वाली है वो रहने वाली है फाइनेंशियल निफ्टी की ट्रेड, जिसके अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने दे रखी है, फिर मैं फाइनेंशियल निफ्टी के भी आपको लेवल दे देता हूँ बाय एंड सेल दोनों के, फिबोनाची बाय साइड पे 19,410 के ऊपर बाय का पोजीशन, 19,535 शॉर्ट कवरिंग रैली इसके ऊपर तैयार रहेगा, 19,700 का लेवल। नीचे की तरफ 19,116 के नीचे शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, एक रैली का इंतजार करेंगे 18,939 के आसपास का, और उसके नीचे 18,821 के आसपास का। मेरे लिए सबसे अच्छा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा 19,204 के नीचे का। इसके नीचे आपको 100-150 पॉइंट की एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मार इसको ट्रेड करना है कल अच्छे तरीके से, 0-0 मानते हुए काफी अच्छे पैसे कल बनते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी दोनों जगह ये ट्रेड जो है बहुत अच्छे तरीके से बनती है। और उसके नीचे का फर्दर ट्रेड क्या है, ये फर्दर इसका नेक्स्ट टारगेट जो नीचे की तरफ का है, ये बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो ये याद रखना 19,000 तक के टारगेट आपको CNX निफ्टी के अंदर भी आते हुए जो आराम से दिखाई दे पड़ जाएंगे, ठीक है गाइस। ये थे लेवल जो यूज करके आप बना सकते हो पैसा बहुत अच्छे तरीके से। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा गाइस, पुणे वर्कशॉप, पीपल हु आर कमिंग फॉर ऑप्शन मास्टरी, इफ यू वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ ऑप्शन मास्टरी, 28th of May को पुणे के अंदर वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको ऑप्शन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सारी मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आएंगी। साथ के साथ मैंने इसके अंदर एक नई स्ट्रैटेजी भी ऐड कर दी अपनी, PARB जो स्ट्रैटेजी वो तो थी, संजीवनी स्ट्रैटेजी जिसका पार्ट नहीं थी वो भी मैंने एज अ बोनस ऐड कर दी है, ठीक है गाइस। तो वर्कशॉप कॉस्ट बोर्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5,000 की तो सिर्फ यही है, ठीक है, 5,000 की यही है। तो वर्कशॉप कॉस्ट इज मोर देन 20,000 रुपीज, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट की मैं अभी मिल रही है, एंड दिस डिस्काउंटेड प्राइस इज ओनली वैलिड टिल
15th of May, उसके बाद में इसका फुल प्राइस हो जाएगा। साथ के साथ अगर आप घर बैठे भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं, इन द सेंस देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सेइंग कि क्या सर मैं ऑनलाइन अटेंड कर सकता हूँ, तो गाइस रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर देम एज वेल। इफ यू वांट टू अटेंड इट ऑन जूम, यस, एंड आई विल बी लाइव फ्रॉम द पुणे ट्रेडिंग रूम। तो हमारी फिजिकल वर्कशॉप को आप लाइव देख पाओगे जूम के ऊपर। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन ऑल्सो बाय इट, और आपको वर्कशॉप से एक दिन पहले जूम का लिंक मिल जाएगा जिसको यूज करके आप भी फिजिकल वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। तो याद रखना या मौका ना जाने पाए, तो जितने लोग ऑप्शन मास्टरी को अटेंड करना चाहते हैं रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप नाउ, एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज वैलिड टिल 15th ऑफ मे ओनली, टुडे इज 8th, तो कपल ऑफ डेज लेफ्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट जस्ट मिस इट, एंड आई विल सी यू गाइज इन द ऑप्शन मास्टरी वर्कशॉप। ठीक है गाइज, चलिए एक लास्ट चीज जाते जाते जो आ गई है मैं उसका भी करा देता हूँ। डेटा आ गया है तो डेटा एनालिसिस भी साथ में कर देते हैं ताकि ना हो। तो ये कर देंगे डेटा एनालिसिस, किधर है डेटा, डेटा 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 डेटा, 9th of May। वन सेकेंड, रहा डेटा तो खोल लेते हैं एक बार, और समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो भाई राज भी है। क्या बोलता है डेटा एक बार देख लेते हैं। अरे रे बाबा, उड़ी बाबा, ये मार्केट में क्या हो गया है, यहाँ पर मार्केट में क्या हो गया भाई। रिटेलर गया है बेरिश पोजीशन बना के, 1,63,000 कॉल राइट कर दिया, 3,81,000 पुट बाय किया। उड़ी बाबा, ये प्रॉफिट बुकिंग है मेरे ख्याल से, एक बार देखते हैं। 41,000 भाई साहब, ये तो घना घनघोर भाई, ये पोजिशनली बहुत बुलिश है। FII 41,000 को बाई करना है, इज वेरी बुलिश गाइस, वेरी बुलिश। 13,000 कॉल्स इंडेक्स फ्यूचर भी बाई किए हैं, 50,000 कॉल बेची हैं, और 1,56,000 पुट राइटिंग भी की है। तो भाई FII का डेटा तो बहुत पॉजिटिव है। नेट बेसा देखना पड़ेगा, 2,29,000 वेरी बुलिश, 2,14,000 कॉल भी खरीद के गया है, वेरी बुलिश भाई, ये तो बुलिश रेट है यार। ये माइनस है, ओके तो छोड़ देते हैं, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखते हैं, 1,18,000 से 45,000 भाई इसने प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पर, करेक्ट। 2,55,000 से 2,03,000 यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये ठीक है। FII इसकी 3,73,000 से ये 1,58,000 रह गए हैं, तो भाई 3,00,000 माइनस में थे, बेरिश साइड पे थे, और इन्होंने क्या किया है, लॉस बुक किया है, ऑफ कोर्स लॉस बुक किया है। 3,73,000 इन्होंने कॉल राइटिंग की हुई थी, और कॉल राइटिंग करने के बाद 1,50,000 ऑलमोस्ट 50% इन्होंने लॉस बुक कर लिया, आज लॉस बुक कर लिया है, ग्रेट, ओके। यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत बुलिश थे, 4,29,000 बहुत बुलिश थे भाई, इन्होंने अंधा पैसा, ओहो, इन्होंने सारा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। रिटेलर ने दसों की दसों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला हिसाब से इन्होंने सारा प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर इन्होंने 4,01,000 पुट बाय कर रखी थी, इन्होंने भी लॉस बुक किया है। तो FII ने क्या बात है, FII और प्रोज ने गाइस लॉस बुक किया आज, वो भी बहुत बड़ा वाला, एंड दे टर्नड देमसेल्फ टू लिटिल बुलिश साइड पे देखेंगे तो। ये देखो 6,00,000 थे, इन्होंने माइनस कर दिया, तो 2,22,000 इन्होंने, ये तो घनघोर बुलिश हो गए। तो अगर यहाँ हम डेटा एनालिसिस करके देखने की कोशिश करें, उनका साइज 1,44,000, तो यहाँ पर ओके, करेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। रिटेलर लुकिंग एट 45,000 एंड 48,000 नेट बेसिस पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किए हैं या साइड बेस। यहाँ देखो 45,000 है, यहाँ पर 48,000 है, तो साइड बेस है और कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि आज बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, इन अ वे देर बेरिश, ठीक है, इन अ वे देर बेरिश, बट डेटा के हिसाब से, नेट बेसिस के हिसाब से दे आर साइडवेज। पहली बात, FII की मैं बात करूं, FII अगर आप देखोगे 2,03,000 एंड 2,45,000 दे आर ऑल्सो साइडवेज, बट दे आर लिटिल
हाँ बेरिश ही है ये भी, क्योंकि 2,45,000 है ठीक है। और हमारा जो प्रो है वो देखेंगे 2,22,000, 1,58,000, तो ये बेसिकली बुलिश है, इसको बुलिश कंसिडर कर सकता हूँ। बट रिटेल और एफआईआई नेट डे आज की अगर हम प्रॉफिट बुकिंग को छोड़ दें तो भाई ये डेफिनेटली क्या है, ये दोनों के दोनों साइड बेस हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिटेलर को हम बेरिश भी बोल सकते हैं, काफी लोग बेरिश भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सेलिंग वेलिंग की है नंबर देख के, लेकिन गाइस दिस इज ओनली प्रॉफिट बुकिंग। जिन्होंने कुछ बाय किया है वो सेल भी तो करेंगे ना, कॉल्स बाय की थी उन्होंने सेल कर दिया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। एफआईआई ने लॉस बुक, एफआईआई और प्रोज ने लॉस बुक किया है और बुलिश पोजीशन कर लिए, अपना पाला ही बदल दिया टोटली से। डेटा तो बोलता है कि भाई मार्केट कल साइडवेज रहनी चाहिए, इवेंट के इंतजार में डेटा के हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मूव अंटिल अनलेस कल डेटा कोई चेंज हो जाए। कल डेटा चेंज हो जाए तब मैटर करता है, वरना तो कुछ नहीं है। अभी देखो मार्केट तो गिर गई यहाँ पे यार, नंबर दिख जाएंगे, जो नंबर बोला है आपको इसका इंतजार करना, 42,600 बाय फ्राइडे, बाकी सब गया बाढ़ में, ये नंबर आ जाएगा। बोलो तारा रारा, फिर मुलाकात होगी, चलती रहा मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस, बाय बाय।